हाय फ्रेंड, वेलकम टू द एनबीस एकेडमी। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मेरे दोस्त भाई, हम लोग जब थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल और सिंपल डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल। अगर मैं ज़्यादा विशेष तौर पर बोलूँ तो सिंपल था, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि हम कोई भी प्रोडक्ट मेरे को खरीदना था, परचेसिंग कॉस्ट था, ऑर्डरिंग कॉस्ट था, होल्डिंग कॉस्ट था, स्टॉक आउट कॉस्ट को तो हम लोग हटा ही दिए थे, मान के चल रहे थे कि मेरा कंपनी स्टॉक आउट नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग निकाले थे कि कितना मेरे को इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी जो होगा, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो मेरा जो टोटल एनुअल कॉस्ट होगा मिनिमम होगा। न्यूमेरिकल से सोल्व करके हम लोग देख भी लिए थे कि हाँ भाई सही ये बात है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या आ रहा है, टोटल एनुअल कॉस्ट का वैल्यू कम आ रहा था। टोटल एनुअल कॉस्ट में TIC टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ही मेन प्ले कर रहा था रोल, बाकी चीज़ तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं क्या, थोड़ा सा रियल लाइफ की तरफ जाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं रियल लाइफ में। इसमें देखिए, जब भी हम किसी भी अगर मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ, किसी डीलर के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को अपने दुकान के लिए, अपने शॉप के लिए मेरे को कुछ गुड्स चाहिए, तुम दोगे? बोले हाँ दूंगा। अब आता है प्राइस के बाद कि वो कितने में देगा। मैं बोलूँगा मेरे को 10 प्रोडक्ट चाहिए, वो बोलेगा कि भाई 10 प्रोडक्ट चाहिए तो 100 रुपये भाई पर कॉस्ट, मतलब पर यूनिट का 100 रुपये मैं लूँगा, ठीक है भाई। मैं बोलूँगा नहीं मेरे को 2000 क्वांटिटी चाहिए, बोलेगा 2000 क्वांटिटी 90 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मैं दे दूँगा। क्यों ऐसा होता है रियल लाइफ में? शॉप मॉल में जाते हैं तो मॉल में बोलता है कि ठीक है अगर आप 3 लेते हैं 3 के साथ एक फ्री, ठीक है ना, अगर 1-2 लेते हैं तो उसके साथ कोई फ्री नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाता है, जो नंबर ऑफ गुड जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं एक स्लॉट में, अगर उस स्लॉट में नंबर ऑफ क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ जाता है तो हमको प्राइस ब्रेक देखने को मिलता है अलग अलग स्लॉट पे प्राइस ब्रेक। अगर आप 2000 क्वांटिटी लेते हैं आपको 100 रुपये के हिसाब से मिलेगा, अगर 3000 क्वांटिटी लेते हैं तो आपको 95 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, अगर 5000 क्वांटिटी लेते हैं या उससे अधिक लेते हैं तो आपको 90 रुपये के हिसाब से देंगे। तो इस तरह का प्राइस ब्रेक दिया जाता है, प्राइस हर एक अलग अलग क्वांटिटी पे प्राइस ब्रेक दिया जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से समझते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा वाई एक्सिस है जिस पे हम प्रोसेसिंग कॉस्ट रखेंगे, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है, प्रोसेसिंग कॉस्ट। जी बोलता है कि अगर आपका क्वांटिटी कम है, ठीक है ना, क्वांटिटी कम है तो आपका प्राइस क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। कुछ दूर तक कुछ क्वांटिटी के लिए फिक्स रहता है, Q1 क्वांटिटी के लिए कुछ फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे Q1 क्वांटिटी से ज़्यादा आप लीजिएगा तो थोड़ा सा प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, परचेसिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा तो हम लोग को क्या दिखेगा, हल्का प्राइस में डाउन देखने को मिलता है, जो कि जो डीलर है वो हम लोग को इस तरह से डिस्काउंट देता है। इसको डिस्काउंट बोले या प्राइस ब्रेक, डिस्काउंट नहीं बोल सकते हैं, प्राइस ब्रेक देखने को मिलता है, परचेसिंग कॉस्ट में प्राइस ब्रेक देखने को मिलता है। अभी ये भाई प्राइस ब्रेक से हम पे क्या असर आने वाला है, जो हम लोग इन्वेंट्री को जो बैलेंस कर रहे थे, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रहे थे, उसमें इसमें क्या चेंजिंग आने वाला है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको याद होगा टोटल एनुअल कॉस्ट को मैंने लिखा था, टोटल एनुअल कॉस्ट को जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसमें बोला था कि ये परचेसिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट का क्या है, समेशन है। और अगर आपको और ज़्यादा विशेष तौर पर याद आ रहा होगा तो उसमें मैं बोला था क्या कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जो है होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ क्वांटिटी क्यू पे, एक बार में कितना आप ऑर्डर कर रहे हैं उस पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कैसे भाई, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछले के लिए सिंपल के लिए ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट नंबर ऑफ क्यू पे डिपेंड कर रहा था। कैसे, और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू D/Q मल्टीप्लाई विथ C0। ये क्या था, होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, तो उसमें क्या लिखा था, Q/2 मल्टीप्लाई विथ CH, ये लिखा था। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्यू के टर्म में था और होल्डिंग कॉस्ट भी क्या था, क्यू के टर्म में था। तो दोनों क्या है, डिपेंडेंट है क्यू पे, एक डायरेक्टली एक इन्वर्सली है डिपेंडेंट, ठीक है भाई। तो उस समय क्या हम लोग किए थे कि ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के बीच में एक रिलेशन लाए, जहाँ से हमको ऐसा एक क्यू का वैल्यू मिल गया जहाँ से टोटल एनुअल कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का वैल्यू मिनिमम हो गया था। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का वैल्यू क्या हो गया था, मिनिमम हो गया था। लेकिन मेरे दोस्त, उस समय जो मेरा परचेसिंग कॉस्ट था वो क्या था, कॉन्स्टेंट था। क्यों परचेसिंग कॉस्ट कॉन्स्टेंट था, क्योंकि परचेसिंग कॉस्ट का जो मैंने फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा तो वो क्या लिखा था, D मल्टीप्लाई विथ C,
डी मल्टीप्लाई विथ सी, उसमें सी कॉन्स्टेंट था, सी के ऊपर डिपेंड है, नहीं कहता था जितना मर्जी आप क्वांटिटी मंगा लो, सी का वैल्यू क्या था, फिक्स था, कोई प्राइस ब्रेक नहीं था, 5000 मंगाओ, 10000 मंगाओ, 5 क्वांटिटी मंगाओ, भाई हर एक यूनिट का वैल्यू क्या था, फिक्स था सी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो सी है अभी भी फॉर्मूला वही है, डी मल्टीप्लाई विद द सी, डी इज एनुअल डिमांड, टोटल एनुअल डिमांड, सी क्या है परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन यहाँ पे जो सी है वो सी इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, क्यू पे, जैसे जैसे क्यू का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, कहने का मतलब क्या है, परचेसिंग कॉस्ट सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यू है, जैसे क्यू का वैल्यू बढ़ेगा सी का वैल्यू क्या होगा, डाउन हो जाएगा, जैसे सी का वैल्यू डाउन हो जाएगा उसी परचेसिंग कॉस्ट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब अब जो केस मैंने लिया है प्राइस ब्रेक का, जो सेकंड है प्राइस ब्रेक डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल, इस केस में क्या है परचेसिंग कॉस्ट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे, मतलब यहाँ पे तीनों पैरामीटर क्या है डिपेंडेंट टू द क्यू, डिपेंडेंट टू द क्यू, यहाँ पे तीनों पैरामीटर क्यू पे डिपेंडेंट करते हैं। तो भाई इस केस में इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाला जाए, इस केस में इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही जो पिछला कॉन्सेप्ट था वही लगाना है, उसी फॉर्मूला को यूज करना है, क्या इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू, जो पिछला फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू अंडर रूट 2DC0 डिवाइडेड बाई CH, यही फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाकर इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्यू स्टार का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, क्यू स्टार का वैल्यू निकालना है, ये बात सही है। चलो भाई मैंने इस फॉर्मूले को निकाल कर क्यू स्टार का वैल्यू निकाल दिया, तो TIC भी तो वही हो जाएगा, TIC जो स्टार होगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का स्टार जो होगा वो भी तो वहीं पहले जैसा ही रह जाएगा ना, 2DC0 मल्टीप्लाई विथ CH मल्टीप्लाई विथ CH। तो भाई अंतर क्या है, अंतर मेरे दोस्त यही हैं जो मैंने अभी इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकाला है, ये जरूरी नहीं है कि इसी पे मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम होगा, इसी पे टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम होगा, कहने का मतलब समझा नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये क्यू का जो वेरिएशन है विथ सी विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसमें मान लीजिए मेरा कोई क्यू स्टार का वैल्यू आया, यहाँ पे इस क्वांटिटी पे मेरा क्यू स्टार का वैल्यू आ गया, किसका आ गया, क्यू स्टार का, तो इस क्यू स्टार के लिए आपको क्या करना होगा, पहले टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना होगा, इस क्यू स्टार के लिए आपको क्या निकालना होगा, टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्यू स्टार के लिए आपको टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना होगा, टोटल एनुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, डी मल्टीप्लाई विथ सी, यहाँ पे सी किसका वैल्यू लेंगे, कौन सा सी, यहाँ पे भी सी का वैल्यू कुछ और है, यहाँ इस रेंज के लिए सी का वैल्यू कुछ और है, इस रेंज के लिए सी का वैल्यू कुछ और है, इस रेंज के लिए सी का वैल्यू कुछ और है, तो मैं जो सी का वैल्यू लूंगा वो इस रेंज का लूंगा, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सपोज करते हैं सी का वैल्यू क्या है, C1 है, ठीक है, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या था, C0, इस क्वांटिटी के लिए क्या है, सी का वैल्यू C2 है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या, C1, तो ये मेरा किसका आ गया, परचेसिंग कॉस्ट प्लस TIC स्टार, यहाँ से TIC स्टार का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगा। इस टोटल एनुअल कॉस्ट निकालने के बाद ये टोटल एनुअल कॉस्ट एट क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, TIC स्टार है मतलब टोटल एनुअल कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, ये निकालने के बाद फिर क्या करना है मेरे को, ये जो टोटल एनुअल कॉस्ट निकाले हैं ये जरूरी नहीं है कि ये सबसे मिनिमम टोटल एनुअल कॉस्ट है, इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, जो क्यू स्टार का वैल्यू आया है ना, क्यू स्टार का जो वैल्यू है ना, क्यू स्टार के आगे जिस नंबर ऑफ क्वांटिटी पे, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से रखिए, क्यू स्टार के आगे जिस नंबर ऑफ क्वांटिटी पे प्राइस ब्रेक है उस नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए भी हमको TIC निकालना है, क्या निकालना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल एनुअल कॉस्ट पहले आप क्यू स्टार पे निकालिएगा, क्यू स्टार पे निकालने का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो मिनिमम होगा, अगर प्राइस ब्रेक के केस में, प्राइस ब्रेक के केस में ये जरूरी नहीं है कि ये मिनिमम होगा, आपको क्या करना है इसके बाद, इसके निकालने के बाद आपको हर एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे प्राइस ब्रेक हो, जैसे मैं यहाँ क्वांटिटी Q2 है, इस क्वांटिटी Q2 पे भी प्राइस ब्रेक है तो Q2 पे भी आपको टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है, फिर एक पॉइंट Q3 पे भी है टोटल एनुअल कॉस्ट, पॉइंट Q3 पे भी प्राइस ब्रेक है तो Q3 पॉइंट पे भी आपको क्या निकालना होगा,
टोटल एनुअल कॉस्ट, मतलब जो क्यू स्टार आया पहले क्यू स्टार निकालिए, क्यू स्टार के कोरस्पॉन्डिंग टीएसी निकालिए, उसके बाद हर एक यूनिट जहां पे प्राइस ब्रेक हुआ है, जैसे में क्यू टू पे हुआ है, क्यू थ्री पे हुआ, हर एक यूनिट के लिए आपको क्या निकालना है, टीएसी निकालना, हर एक यूनिट के लिए क्या निकालना है, टीएसी निकालना है। उस टीएसी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, टीएसी एट क्यू टू क्वांटिटी, टीएसी एट क्यू टू क्वांटिटी निकालिए, टीएसी एट क्वांटिटी Q3 ये दोनों पे निकालिए, और इसके बाद जो TSC स्टार है, TSC Q2 है, TSC Q3 है, तीनों में से कंपेयर कीजिए किसके लिए TSC का वैल्यू क्या है, मिनिमम है। जिस क्वांटिटी के लिए TSC का वैल्यू मिनिमम होगा उसी को हम लोग फाइनल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे, उस क्वांटिटी को ही क्या बोलेंगे, फाइनल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे। हो सकता है Q3 पे आ जाए इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, हो सकता है Q2 पे आ जाए, या क्यू स्टार पे मेरा इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी आ जाए इन केस ऑफ द प्राइस ब्रेक। समझ गए, एक दिमाग में बात ये बैठाना है कि क्यू स्टार के बाद वाले क्वांटिटी पे चेक करना है जहां पे प्राइस ब्रेक हुआ है, क्यू स्टार के बाद वाले पे मेरे को क्या चेक करना है, टीएसी निकालना है। क्यू स्टार के बाद वाले हर एक क्वांटिटी पे टीएसी निकालना है जहां पे प्राइस ब्रेक हुआ है, उससे पहले वाले पे नहीं। जैसे मैं ये क्यू वन पे प्राइस ब्रेक हुआ है लेकिन क्यू वन पे नहीं निकालेंगे, क्यों, क्यू वन से आगे क्यू स्टार है, क्यू स्टार के आगे वाले आगे आने वाले पॉइंट पे निकालेंगे, पहले वाले पे नहीं निकालेंगे, क्यू वन पे मैं नहीं निकालूंगा टीएसी। ठीक है, समझ के बाद इस चीज को थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। एक बात मैं बता दूं, मैं कि ये बोल क्यों बोल रहा हूं कि मतलब यहां पे भी निकालिए यहां पे भी निकालिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो टीआईसी स्टार है वो तो मिनिमम हो गया है, वो तो मिनिमम हो गया, लेकिन सर अब ये जो परचेसिंग कॉस्ट है ना, ये परचेसिंग कॉस्ट सी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है, हर एक क्यू टू पे क्या हो जाएगा, ये कुछ इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन इसमें चेंजिंग आएगा, मेन जो चेंज करेगा ना ये C1 की जगह वो C2 हो जाएगा, वो C3 हो जाएगा, और C2 और C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यही मेन जो परचेसिंग कॉस्ट है यही प्रॉब्लम करता है, इसलिए आपको TIC क्यू स्टार के आगे Q2 Q3 जो पॉइंट है जहां पे प्राइस ब्रेक हो रहा है वहां पे भी आपको निकाल कर चेक करना पड़ता है। ये इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, गेट में ये नहीं आता है, तो लेकिन हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी देखते हैं, कंसिडर करते, इसलिए हम ये आपको बताया। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वहां से इस बात को कंप्लीट रूप से समझते हैं कि क्या ये मैं जो बात बोला वो किस तरह से वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, एक बात आते हैं समझते हैं, ये जो है जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको लगेगा कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट अगर ये क्वेश्चन अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके बाद इसके बेस्ट पे जितना भी क्वेश्चन होगा प्राइस ब्रेक पे वो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा सा मतलब ऑलराउंडर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है सिंपल डाटा दिया हुआ है, बोल रहा है कि जो एनुअल डिमांड है वो कितना है भाई, एनुअल डिमांड कैपिटल डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8000 यानी 8×10³ यूनिट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 18000 पर यूनिट। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज ऑफ सी दिया है, क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ सी, यहीं पे लोचा है सी 10% ऑफ सी, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। मैं बताया था पहले भी कि जब भी होल्डिंग कॉस्ट देगा ना, होल्डिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज ऑफ सी में ही देगा, मोस्टली परसेंटेज ऑफ सी में देगा। जब भी परसेंटेज ऑफ सी में देगा तो आप डायरेक्टली 10% दिया ना, 10×C का जो वैल्यू दिया वो डाल दिया डिवाइडेड बाई 100, मोस्टली यही देता है। ठीक है, परसेंटेज में ही देता है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं देता है। अब आते हैं ये क्या बोल रहा है, आइटम कैन बी परचेस इन द कॉस्ट एज गिवन बोला। अब क्या बोल रहा है कि जो आइटम है वो खरीदा जाता है और अलग अलग लॉट साइज में, उसका अलग अलग प्राइस है। ठीक है ना, अलग अलग लॉट साइज का अलग 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 प्राइस है, तो पहले लॉट साइज यहां लिखते हैं, क्या है लॉट साइज, लॉट साइज क्या है, 1 से 999 अगर प्रोडक्ट मंगाते हैं इसका जो परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो कितना है, 220 रुपये है। अगर 1000 से 1499 प्रोडक्ट मंगाते हैं तो इसका 200 रुपये देना पड़ेगा पर यूनिट। अगर 1500 से 1999 मंगाते हैं प्रोडक्ट तो 190 रुपये पे करना पड़ेगा। 2000 से अधिक, ठीक है, 2000 से अधिक मंगाइएगा तो आपको कितना पे करना पड़ेगा पर यूनिट, 185 रुपये। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द क्यू स्टार, क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, बेस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी ये पूछ रहा है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, बट एक चीज जो है ना जो कि मतलब डिफरेंट बना रहा है वो ये है 10% ऑफ सी। इसी को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, क्या है मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूज कर सकता है। देखिए मेरे दोस्त, जो सी एच है वो परसेंटेज ऑफ सी में दिया हुआ है, क्या दिया है, सी एच जो है वो सम परसेंटेज ऑफ सी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं सी एच रखूँगा, जो सी एच रखूँगा उसमें सी का वैल्यू कौन लूँ, 220 लूँ, 200 लूँ, 190 लूँ, 185 लूँ, यही जो है ना यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन करता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी इस चीज़ को भूलते हैं सी एच को, अभी इस चीज़ को सी एच को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे, क्या था मैं क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, जो सबसे पहला स्टेप है आपको क्यू स्टार निकालना है, कौन सा, सिंपल क्यू स्टार, सिंपल के लिए, जो सिंपल केस के लिए पढ़े थे उसके लिए आपको क्या निकालना है, क्यू स्टार। तो उस क्यू स्टार का वैल्यू क्या था, क्यू स्टार का वैल्यू क्या था, अंडर रूट 2d सी नॉट डिवाइडेड बाई सी एच, अंडर रूट 2d सी नॉट डिवाइडेड बाई सी एच। थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए, लाइट अचानक आया, ठीक है। ये क्या था, क्यू स्टार का वैल्यू अंडर रूट 2d सी नॉट डिवाइडेड बाई सी एच था। अब हम लोग यहाँ पे d का वैल्यू दिया है, सी नॉट का वैल्यू दिया है, सी एच का वैल्यू क्या है, सम परसेंटेज ऑफ सी दिया है। इस केस में जो सी एच का वैल्यू रखेंगे वो हम लोग मान के चलेंगे कि मेरा जो आने वाला जो वैल्यू है सी का वो लगभग लगभग पहले रेंज में आएगा, ठीक है ना, पहले रेंज में, हायर साइड में रखते हैं सी एच का वैल्यू क्या रखते हैं, हायर साइड में, स्टार्टिंग में ऐसे हम अपना सी एच का वैल्यू क्या रखते हैं, हायर साइड में 220 रुपये रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, 220 रुपया सी एच का वैल्यू क्या रखते हैं, सी का वैल्यू क्या रखते हैं, 220 रुपया, उसके अकॉर्डिंग सी एच निकालते हैं। तो सी एच क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई विद 220 डिवाइडेड बाई 100, कितना गया सी एच का वैल्यू, 22 रुपये। 22 रुपये का करस्पॉन्डिंग अगर मैं क्यू स्टार निकालूं तो अंडर रूट 2d का वैल्यू कितना देगा हुआ, 8 × 10³ मल्टीप्लाई सी एच का वैल्यू कितना देगा, 18,000 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड सी एच का वैल्यू कितना आया, 22 रुपीज, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो क्यू स्टार जो मेरा आता है वो कितना है, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है भाई, क्यू स्टार का वैल्यू, क्यू स्टार का वैल्यू यहाँ से आ रहा है आपका 1200, ठीक है ना, 1200 का वैल्यू कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली मैं कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, वहाँ पे किया नहीं है, 2 × 8 × 10³ मल्टीप्लाई विथ 18,000 डिवाइडेड बाई 22 × 0.5, क्या कर रहा हूँ, 8 × 10³ मल्टीप्लाई विथ 18,000 डिवाइडेड बाई 22 × 0.5। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन में मिस्टेक किया है, जो डाटा दिया है वहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, यहाँ पे 1800 रुपये दिया, 18,000 नहीं दिया है, 1800 रुपये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से 1800 पुट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन क्यों आ रहा है, ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे लिखा हूँ कि 1200 के आसपास आएगा, तो ये डिफरेंट आ रहा था ना, 2 × 8 मल्टीप्लाई विथ 10³ मल्टीप्लाई विथ 18,000 डिवाइडेड बाई 22 × 0.5, हाँ 1144 कितना रहा है, ऑलमोस्ट कितना रहा है, 1144 क्वांटिटी, 1144 क्वांटिटी आ रहा है, समझते हैं। क्या मैंने किया था वहाँ पे, मिस्टेक किया था, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो डाटा था वो डाटा में कितना दिया है, 1800 रुपीज़ दिया है, यहाँ पे हम 18,000 रख दिए थे, वहाँ पे भी 18,000 मैंने लिख दिया था, तो 1800 रखते हैं, ठीक है, 1800 दिया हुआ है। तो इसके बाद मेरा क्यू स्टार का वैल्यू कितना आया, 1144, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे लोग पूछ सकते हैं कि आप ये कैसे जाने
कि जो मेरा जो C का वैल्यू रखे हैं, आप क्या रखे हैं यहाँ पे CH निकालने के लिए जो C का वैल्यू क्या रखे हैं 220 रुपये, लेकिन जो मेरा क्वांटिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है 1144 क्वांटिटी आ रहा है। तो 1144 क्वांटिटी आ रहा है वो तो इस रेंज में लाई करता है 1000 से लेकर 1499 के बीच में, इसमें ना लाई कर रहा है भाई। तो आपको तो ये सी का वैल्यू रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल मेरे दोस्त। तो अब यहां से जैसे ही मेरे को पता चला कि क्यू स्टार का वैल्यू 1144 के आसपास आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पे जो सी एच निकाले सम परसेंटेज ऑफ सी, इसको हम लोग क्या रखे हैं यहां पे सी का वैल्यू 220 के जगह पे क्या रखना स्टार्ट कर देंगे 200। क्या रखना स्टार्ट कर देंगे 200। जैसे ही मैंने यहां पे 200 रखा, पहले तो एक बार चेक किया, मैं एक डाटा उठाया स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में मैंने उठाया कितना 220 रुपये, 220 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल दिया, 220 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला तो क्यू स्टार का वैल्यू 1144 आ रहा था, 1144 यूनिट, 1144 यूनिट के लिए क्या आ रहा है वैल्यू सी का 200। तो 200 पता चला तो हम क्या करेंगे फिर से अपना रिकैलकुलेशन करेंगे किस पे 200 के बेसिस पे, 200 के बेसिस पे करेंगे तो सी एच का वैल्यू कितना आ गया 20 रुपीज। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 20, सी एच का वैल्यू कितना आ गया 20 रुपीज। तो यहाँ पे सी एच का वैल्यू क्या रखेंगे 20 रखने के बाद अपना कैलकुलेशन करते हैं, 20 रखने के बाद अपना कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। 20 रखने के बाद 20 रखेंगे 2 × 8 × 10³ मल्टीप्लाई विथ 1800 डिवाइडेड बाई 20, ये करेंगे कि पावर 0.5। हाँ अब यहाँ करने के बाद क्या आया क्यू का वैल्यू, अब क्यू का वैल्यू आ रहा है कितना 1200। क्या गया 1200, क्या गया 1200 भाई, 1200 मेरा क्वांटिटी आ गया। फिर से हम चेक करेंगे कि जो मेरा क्वांटिटी आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने सी लिया है कि नहीं। ये जो मेरा क्वांटिटी कितना है 1200, 1000 से 1499 इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग सी का वैल्यू कितना है 200। तो 200 ही मैंने रखा था, सम परसेंटेज ऑफ सी था उसमें हम लोग 200 ही रखे हैं। तो ये हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब जब भी सी एस सम परसेंटेज ऑफ सी देगा तो आपको स्टार्टिंग वाला जो सबसे हायर सी है उसको रखना है वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग सी एच निकालिए, सी एच के अकॉर्डिंग क्यू स्टार निकालिए, क्यू स्टार को देखिए जो क्यू स्टार का वैल्यू उसी रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो इस रेंज में जो हमने इनिशियल सेलेक्ट किया था उस रेंज में नहीं आ रहा था, अगले के में आ रहा था, अगले स्लॉट में आ रहा था। तो अगले स्लॉट के करस्पॉन्डिंग सी का वैल्यू रखा, उसके बाद फिर से कैलकुलेशन किया, फिर से चेक किया जो मेरा क्यू आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग मैंने सी लिया है कि नहीं। मेरे को पता चला उसी के करस्पॉन्डिंग मेरा क्या आया है सी आया है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग मैंने सी लिया है। अब हम क्या करते हैं क्यू निकल गया, मेरे को मिनिमाइज क्या करना है टोटल एनुअल कॉस्ट। इस क्यू स्टार जो सिंपल डिटरमिनिस्टिक इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग जो मेरा क्यू स्टार आया है, इस क्यू स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट, क्या टोटल एनुअल कॉस्ट। तो 1200 क्वांटिटी के लिए हम क्या निकालेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, टोटल एनुअल कॉस्ट कितना है D मल्टीप्लाई विद C, D का एनुअल डिमांड कितना है 8 × 10³, उसके करस्पॉन्डिंग जो Q जो मेरा आ रहा है वो 1200 ना आ रहा है, तो 1200 के करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे C लेंगे। तो 1200 के करस्पॉन्डिंग क्या है C 200 रुपये, तो 200 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया ये मेरा किसका वैल्यू हो गया परचेसिंग कॉस्ट का, किसका परचेसिंग कॉस्ट का। अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है D डिवाइडेड बाई क्यू, D का वैल्यू कितना है 8 × 10³ डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 1200 हम लोग निकाला है ठीक है, मल्टीप्लाई विथ सी नॉट, सी नॉट का वैल्यू कितना दिया 1800 पहले मैंने ले लिया था वहीं गलत हो गया था, ये किसका हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट ठीक है। अब लेते हैं क्या होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है क्यू बाई टू, क्यू का वैल्यू कितना है 1200 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विथ सी एच, सी एच का वैल्यू क्या निकालना है सी एच का वैल्यू, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सी एच का वैल्यू क्या है सम परसेंटेज ऑफ सी। तो 1200 के करस्पॉन्डिंग सी का वैल्यू कितना है 200, इस 200 को यहाँ पे सी में पुट करेंगे उसके बाद निकालेंगे कि मेरा सी एच का वैल्यू कितना आ रहा है। तो 200 के करस्पॉन्डिंग जब सी एच का वैल्यू निकाले थे वो कितना आया था 20 रुपीज, ये कितना आया था 20 रुपीज। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ये किसका हो गया, ये हो गया मेरा होल्डिंग कॉस्ट। अब यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा क्या कि 1200 मतलब 1200 क्या था सिंपल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी था, सिंपल प्राइस ब्रेक का इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, प्राइस ब्रेक का तो मेरे को निकालना है, ये सिंपल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है। तो सिंपल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से मेरा जो टोटल एनुअल कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा सोल्व करने के बाद, टोटल एनुअल कॉस्ट जो आएगा आप इसको सोल्व कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ कितना आता है वो आएगा 1624 × 10³ इतना आ रहा है, 1624 मल्टीप्लाई विथ 10³, ये क्या आ गया टोटल एक एनुअल कॉस्ट एट
सिंपल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी एट सिंपल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, ये मैंने निकाल लिया। अब हम क्या बोले थे कि जो पहला स्टेप था कि आप क्यू स्टार निकालिए, क्यू स्टार निकालने के बाद कौन सा क्यू स्टार, सिंपल क्यू स्टार, सिंपल क्यू स्टार निकालिए, उस सिंपल क्यू स्टार के करस्पॉन्डिंग आप टोटल एनुअल कॉस्ट निकालिए। मैंने वही किया, सिंपल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे टी ए सी स्टार निकाल दिया, टोटल इकोनॉमिकल टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल दिया। अब क्या बोले थे सेकंड स्टेप, आप उस पॉइंट पे भी टी ए सी का वैल्यू निकालिए जहां पे क्या हो रहा है, प्राइस ब्रेक है, लेकिन वो क्वांटिटी का जो वैल्यू होना चाहिए वो सिंपल ईओ क्यू से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब कि 1200 क्वांटिटी के बाद, क्या 1200 क्वांटिटी के बाद जितना भी प्राइस ब्रेक हुआ है, जिस जिस क्वांटिटी पे प्राइस ब्रेक हुआ है उस क्वांटिटी पे आप टी ए सी निकालिए। तो मेरा 1200 तो 1000 और 1400 के बीच में आ रहा था, 1499 के बीच में आ रहा था, तो इस बीच में हो गया। इसके बाद प्राइस ब्रेक कहाँ हुआ है, 1500 पे हुआ है, 2000 पे हुआ है। मतलब मेरे को क्या निकालना है, 1500 पे भी टी ए सी निकालना है और 2000 पे भी टी ए सी निकालना है। क्या निकालना है, 1500 पे भी टी ए सी निकालना है, 2000 पे भी टी ए सी निकालना है, लेकिन उससे पहले भी प्राइस ब्रेक हुआ है किस पे, 1000 पे, लेकिन 1000 वाले को नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि मैं क्या बोला था, जिसका रूल है वो क्या निकालना है कि आपको क्यू स्टार के बाद वाले पे जिस जिस क्वांटिटी पे आपको प्राइस ब्रेक हुआ उस पर ही केवल निकालना है, उससे पहले वाले पे नहीं। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसको कहीं एक साइड में लिख देते हैं, क्या है टी ए सी का जो वैल्यू आया है एट सिंपल ईओ क्यू, एट सिंपल ईओ क्यू कितना आया है, एट सिंपल ईओ क्यू कितना है, 1624 मल्टीप्लाई विथ 10^3। ये डाटा कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग किस पे आते हैं, अब हम लोग निकालते हैं टी ए सी कॉरस्पॉन्डिंग टू 1500 यूनिट, टी ए सी कॉरस्पॉन्डिंग टू द 1500 यूनिट। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, टी ए सी का तो फॉर्मूला सेम रहेगा, चेंज नहीं आएगा ना, खाली वैल्यू में चेंजिंग आएगा। तो फिर से पुट करते हैं सारा चीज, क्या निकालते हैं टी ए सी कॉरस्पॉन्डिंग टू द 1500 यूनिट के लिए क्या निकालते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट, डी मल्टीप्लाई विथ सी, डी का वैल्यू कितना दिया है, डिमांड 8×10^3। अब यहाँ पे जो सी लेना है वो कौन सा लेंगे, इस रेंज का 1500 से लेके 1999 इसके बीच में, 1500 से लेके 1999 के बीच के कॉरस्पॉन्डिंग जो सी है उसको लेंगे। क्यों, क्योंकि अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो मेरा डिमांड हो रहा है हर एक स्लॉट में वो कितने यूनिट का हो रहा है, 1500 यूनिट का हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 8×10^3 = 190, ठीक है। प्लस ये क्या था, परचेसिंग कॉस्ट। अब निकालते हैं होल्डिंग कॉस्ट, परचेसिंग कॉस्ट हो गया, अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, डी डिवाइडेड बाई क्यू, डिमांड कितना है 8×10^3, क्यू कितना डिमांड कर रहा है, एक लॉट साइज में कितने का डिमांड कर रहे हैं, 1500 का, कितने का डिमांड कर रहे हैं 1500 का, मल्टीप्लाई विथ ऑर्डरिंग कॉस्ट 8000 रुपीज, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट परिणाम, ओके। अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई टू, क्यू कितना है 1500 डिवाइडेड बाई दो, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ सी एच। फिर आते हैं यहीं सी एच, यहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे लोग मिस्टेक करता है, इसलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ। सी एच क्या है, सम परसेंटेज ऑफ सी, सम परसेंटेज कितना, 10% मतलब 10/100, लेकिन जो सी का वैल्यू है वो किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, 1500 के करस्पॉन्डिंग सी का वैल्यू निकालना है, 1500 के करस्पॉन्डिंग सी का वैल्यू रखना है। तो सी का वैल्यू कितना है 190, तो यहाँ पे 200 जगह पे क्या पुट कर देंगे, 190 पुट करेंगे, तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 19 रुपीज़, कितना आ गया 19 रुपीज़। तो यहाँ पे कमन पुट कर देंगे, सी एच के वैल्यू कितना 19 रुपीज़। इसके बाद सॉल्व करेंगे, जो मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट जो आएगा एट ए क्वांटिटी 1500, अगर 1500 एक लॉट में मंगाते हैं तो इसको सोल्व करने के बाद जो टोटल एनुअल कॉस्ट आता है वो कितना आ रहा है, 1543.85 × 10^3, इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ कंपेयर करने के लिए रख देते हैं, टी एस सी कॉरस्पॉन्डिंग टू 1500 यूनिट इज इक्वल टू 1543.83 × 10^3, ये आ गया। अब आते हैं तीसरा, लास्ट जो करना है, टी एस सी एट
2000 यूनिट, तो सारा चीज वही रहेगा, इतना ही यूनिट डी का वैल्यू इतना ही रह रहा है, लेकिन यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 185, कितना हो जाएगा 185 पुट कर देंगे। कितना ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में 2000, कितना यूनिट कर रहे हैं 2000 यूनिट कर रहे हैं, तो यहाँ 1500 की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2000, बाकी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना ही। तो जहाँ जहाँ क्यू का वैल्यू था वहाँ 1500 वहाँ पे क्या पुट कर दिया 2000, और 2000 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सी ए था उसके कॉरस्पॉन्डिंग सी एच का वैल्यू निकाल दिए। सी एच का वैल्यू निकाले कितना आया 18 रुपये 50 पैसे, कितना आया 18 रुपये 50 पैसे, 18 रुपये 50 पैसा यहाँ पुट कर दिया। जहाँ जहाँ क्यू था क्यू के जगह पे क्या पुट कर दिया 2000 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सी का वैल्यू कितना पुट गया 185 रुपीज़, सेम वही जैसे 1500 के लिए थे वैसे 2000 के लिए किए हैं। 2000 करने के बाद जो मेरा आया 2000 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल एनुअल कॉस्ट कितना आया 1500 5.7 × 10³ इतना आ गया, ठीक है। अब तीनों को कंपेयर किया जाए, टी ए सी एट 2000 यूनिट, टी ए सी एट 1500 यूनिट, टी ए सी एट ये कितना यूनिट था 1200 यूनिट था ना, 1200 यूनिट था, तो टी ए सी एट 1200 यूनिट। तीनों को कंपेयर करने पे मेरे को क्या पता चलता है, जो टी ए सी का जो वैल्यू है वो सबसे मिनिमम किस क्वांटिटी पे लिया है, वो 2000 क्वांटिटी के लिए टी ए सी का वैल्यू क्या है वो मिनिमम है। तो मेरे दोस्त इससे क्या पता चला, इससे पता चलेगा कि इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितना है मेरा, जो प्राइस ब्रेक पे जो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, कितना है भाई 2000, क्योंकि इसी 2000 यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो टोटल एनुअल कॉस्ट आ रहा है वो सबसे क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है, सबसे क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है। तो मेरा फाइनल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितना हो गया, फाइनल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी यू क्यू कितना हो गया 2000 यूनिट, कितना आ गया 2000 यूनिट फॉर द इसकेस के लिए कितना गया 2000 यूनिट। अब दोस्त ये माइंड में कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा, चाहे ये आप सोच रहे होंगे कि जो सबसे सस्ता जो मिल रहा था 185 रुपीज़ उसी पे मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम आया। मेरे दोस्त केवल इसी केस के लिए हो सकता है कि मेरे 185 रुपये पे सबसे मिनिमम आ गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे सस्ता होगा उसी के लिए ही मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए जिस ऑर्डर क्वांटिटी के लिए सी का वैल्यू सबसे मिनिमम होगा उसी के लिए क्या होगा जो मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट है मिनिमम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इस केस के लिए आ गया वो अलग बात है, लेकिन हो सकता था कि वो मेरे 1500 यूनिट के लिए भी आ जाए, हो सकता था कि ये 1200 यूनिट के लिए भी आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि 2000 पे ही आएगा, ठीक है। आ गया वो अलग चीज़ है, ये क्वेश्चन समझ गए। तो जब भी ये क्वेश्चन प्राइस ब्रेक का रहेगा तो प्राइस ब्रेक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यही स्टेप यूज करेंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ स्टेप क्या है, सबसे पहले आप सिंपल यू क्यू निकालेंगे, कि सिंपल यू क्यू का फॉर्मूला आपको पता है वही जो पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल विल्सन मेथड वाला में जो यू क्यू निकाले थे उसी यू क्यू का फॉर्मूला से निकालेंगे कि उस यू क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितना यूनिट आ रहा है, उस यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग टी ए सी निकाल देंगे, बाकी उस क्वांटिटी के बाद जहाँ जिस जिस क्वांटिटी पे प्राइस ब्रेक हो रहा है उस क्वांटिटी के लिए टी ए सी निकालेंगे, फिर लास्ट में सबको कंपेयर कर लेंगे, जिस क्वांटिटी के लिए टी ए सी का वैल्यू मिनिमम होगा उसी क्वांटिटी को हम इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे फॉर द प्राइस ब्रेक। ये हो गया, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है भाई, अपना जो अगला टॉपिक जो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे सही चीज़, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस ब्रेक था अब वहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि कंपनी रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल अपना था चाहे जो भी, जैसे मैं बता रहा था कि टायर कोई कंपनी कार बना रही है तो टायर बाहर से मंगाता है तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री है टायर, तो अब मैं मान के चलूँगा कि जो कार बनाने वाली कंपनी है वो क्या कर रही है अपना टायर भी खुद से बना रही है, मतलब प्रोडक्शन का सेट प्रोडक्शन भी अपना खुद से कर रही है, जो इन्वेंट्री का प्रोडक्शन है वो खुद से कर रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो रेगुलर नहीं है, वो क्या है शॉर्ट टाइम के लिए करेगा फिर उसके बाद बंद कर देगा, अपना ये काम में लग जाएगा मेन काम में, उसको पार्शियल के रूप में रखेगा पार्ट टाइम के तौर पर रखेगा, जब जरूरत पड़ा इन्वेंट्री का उसको चालू किया फिर अपना सब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ले आकर अपने इन्वेंट्री में रख लिया फिर अपना काम शुरू कर दिया, उस तरह से मान गए। कल हम उस केस के लिए डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ अगर हो सके तो हम एक शॉर्टेज वाला भी केस डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा मतलब बता रहा हूँ शॉर्टेज का केस क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई कार का शोरूम खोलना है कार, लेकिन वो जो कार होंगे वो काफ़ी महंगे महंगे कार के, जैसे ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू इस तरह के कार के लिए मेरे को शोरूम खोलना है, तो भाई मैं क्या प्रेफर करूँगा
कि मैं इतना तो किसी के पास होता नहीं है ना कि पैसा कि मतलब अब शोरूम में 50 का गाड़ी रखे, 60 गाड़ी रखे इन्वेंट्री के तौर पे, अब 50-60 गाड़ी रखेगा, अगर एनएनएवरेज 50 लाख भी कॉस्ट हुआ तो सोचिए उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो तो इतना इन्वेस्टमेंट खुद से करेगा नहीं, उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। बैंक से लोन लेकर रखेगा अपने पास उतना इन्वेंट्री अपने पास खरीद के रखा है, झूठ मूठ के उसको कर्ज वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, इंटरेस्ट दे रहा होगा, पता चल रहा है कि सेल हो ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है, लास्ट में घाटा ही हो जाएगा उसको। तो उस समय आदमी शॉर्टेज प्रेफर करता है, चलो थोड़ा सा शॉर्टेज रखते हैं, और ऑर्डर आएगा 2-3 इन्वेंट्री में रखते हैं, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर आता है तो हम लोग बोले कुछ उसको डिस्काउंट दे देंगे कि चलो भाई ठीक है इतना मैं तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ, 2-4 दिन बाद मैं तुमको डिलीवर कर दूंगा। तो इन्वेंट्री भी नहीं रखना पड़ेगा, प्लस में काम भी होते रहेगा स्मूथली। तो शॉर्टेज वाला केस भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लेकिन फिर से मैं एक और बात नोट करूंगा, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो मेरे गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू वंस अगेन।